जो हमारी मंजिल थी इधर हम्बरक के पास, मैदियाबाद का नाम कितने सालों से हम सुन रहे हैं मैदियाबाद, और ये मैं 25-30 साल से अपने पास है ये जगह जी। हाँ जी, तो अभी हम वहाँ पहुँचने लगे हैं। मैंने कहा चलें पहले उससे पहले थोड़ा आपको टेस्ट, ये घर आप देख सकते हैं जैसे किसानों के घर जिस तरह बने हैं और साइडों पर घर भी खूबसूरत हैं, अच्छे हैं। भारत एक चीज होती है सुनी सुनाई और एक फिर जाके खुद देख लेता है, बड़ा अच्छा मंजर है ये, अच्छा सामने रेवे अगे खब्बी साइड ते एलडी बिल्कुल नजर आएगी। बड़े खूबसूरत किस्म के घर और यहाँ मेन जो सड़क के ऊपर नजर आएगी आपको। मेरा ख्याल है कि दोस्त शरीफ ला रहे हैं आज के प्रोग्राम के लिए। अच्छा इसके ऊपर मीनार की जांच नहीं बनी मिली इनको मस्जिद लाइन से, ये भी माशाल्लाह जी बड़ी खुली जगह है। और नाम क्या है जी मस्जिद का, लिखा होगा बैतुल बसीर, बैतुल बसीर। ये भी चंद साल पहले की बात है जब यहाँ इफ्तिताह हुआ था। और ये जी है सामने अपना जरा ये है जी मेहदी आबाद का वो इलाका जिसको हम इस वक्त देख रहे हैं। ले जी सिगरेट पीना मर देखे जी अभी हमारी चले। ये जी बाय साइड पे जो आप व्हाइट कलर में देख रहे हैं ये प्यारे आका का जो अभी पिछले चंद सालों पहले तामीर हुआ घर वो आप देख रहे हैं। और फिर और ये जो घर है, अच्छा ये नए दो घर जो बता रहे हैं ये अपने ही एक दोस्त हैं भट्ट साहब, उन्होंने तामीर किए हैं। और उम्मीद है कि इन घरों को देखने के बाद लोग जो है ना उनका ट्रेंड इस साइड पे, ये लें जी मुशायरे का इधर शेड भी लगी हुई है कि यहाँ पे मुशायरा होगा। अच्छा 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 अंदर हॉल बना हुआ है, बाकी आप पार्किंग के बाहर चढ़ के देखते हैं। तारक साहब का, ये घर जो है जी थोड़ा आपको मस्जिद का भी नज़ारा दिखा देते हैं। ये अभी ऐसे लगता है, अच्छा चंद दिनों की बात है, फ्रैंकफर्ट से 500 किलोमीटर दूर हम्बरक, और हम्बरक से तकरीबन घंटा उस आगे फासला जो है मैदियाबाद, वहाँ की जैसे आपने पहले आते ही नज़ारा देखा बहुत ही खूबसूरत लगता है जब हम इस तरह मसाजिद को हर शहर में देखते हैं। ये मैं बताता चलूँ कि जर्मनी दुनिया का पहला मुल्क जो इतना तरक्की याफ्ता, और यहाँ जमात अहमदिया को ये तौफीक मिल रही है कि वो 100 मसाजिद तामीर करके इन लोगों की जो वहदानियत की तरफ दौड़ या अल्लाह ताला की पहचान और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा दीन उससे इनको जो रोशनास करवाने के लिए। तो ये 100 मसाजिद में से ये भी एक मस्जिद है बैतुल बसीर
तकरीबन 70 मसाजिद से ज़्यादा इस वक्त जर्मनी में तामीर हो चुकी हैं। और ये भी जानना ज़रूरी है कि इन मसाजिद में किसी मुल्क का कोई किसी किस्म का मदद या कोई जो जो होता है बिजनेस का, ये एक एक बंदा जो यहाँ आबाद है जर्मनी में, वो अपने रोज़ी रोटी में से निकाल के एक एक यूरो, दो दो यूरो, 100, 1000, 5000, 10, 50000, वो उन्होंने इस तरह शामिल चंदा दे के ये मसाजिद तामीर करनी है। ऐसा मैंने पहले बताया, इधर ऐसा ऐसा अपने जो अहमदी अहबाब हैं उनकी जो रहाइश है, ऐसा ऐसा इस तरफ ये देखें दो बड़े आलीशान घर तैयार हो चुके हैं। और ये इस साइड पे अगर देखें, ये पुरानी बिल्डिंग है जो पहले जमात ने यहाँ ख़रीदी और इसके अंदर रबी हाउस और हॉल बने हुए हैं, जो खाने पीने के जो किचन है वो है। फिर अपोज़िट जब देखते हैं हम, ये थोड़े फासले पे प्यारे आका का वो जो नया घर है वो भी आप देख सकते हैं, उसकी झलक देखते हैं। करीब जाके अगर मौका मिला तो करीब से भी देखने की कोशिश करेंगे। काफ़ी खुला गार्डन है और फिर यहाँ गाड़ियों की पार्किंग के लिए, और बिल्कुल फ्रेश ताज़ा माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत नक्शा है। और फिर यह है कि जो सबसे बड़ी बात यह है कि पुरफ़ा मकाम है, दरख्तों के अंदर घने दरख्तों के दरमियान में ताज़ा हवा और बड़ी आला किस्म की जो ताज़ा फ्रेश सेहतमंद आबो हवा वो यहाँ पे मुयसर है। बैरूनी नज़ारा आपने देखा, फिर ये अंदर का भी देखें, ये किचन का सिस्टम सारा ये जैसे जैसे ये मुकामी मेज़बान और मुख्तलिफ़ इलाकों से दोस्त शरीफ जैसे जैसे ला रहे हैं, मेल मुलाकात हो रही हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये लंच होगा और फिर इसके बाद हमारा असल प्रोग्राम शुरू होते हैं जी। शोहरा का प्रोग्राम हो और उससे पहले ये इंतज़ाम ना हो, फिर पानी के गिलास भी पानी के गिलास वो भी चाहिए।